क्वेश्चन 36 में एक पेंडुलम है जिसको रूफ पे हंग करके रखा हुआ है। सफिशियंटली हाई बिल्डिंग है, ये मूव करता है फ्रीली टू एंड फ्रो मोशन करके, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर बन गया है। मतलब बच्चों आप लोग यहाँ पे कह सकते हो कि एक्सेलरेशन नेगेटिव ओमेगा स्क्वायर एक्स या तो वाई आता है, इसको यूज कर सकते हो, ठीक है। और इस तरह से समझ लो कि ये इसका इक्विलिब्रियम पोजिशन है, मतलब मीन पोजिशन, और यहाँ पे ये टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है ना, स्मॉल चेंजेस के हिसाब से। अब आ रही बात एक्सेलरेशन की, बॉब का जो पेंडुलम है वो 20 दे रखा है इसने, डिस्टेंस दिया है 5, इसको एम्पलीट्यूड नहीं बोलेंगे, ये एक्स का टर्म है बच्चों, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को अगर मॉड लेकर लिखोगे तो क्या हो जाएगा, ए का मॉड आएगा, नेगेटिव ऑफ ओमेगा स्क्वायर एक्स का भी मॉड आएगा, ठीक। ये टर्म दी हुई है 20, नेगेटिव ऑफ ओमेगा स्क्वायर मॉड हटा दो, ये टर्म आ जाएगा 5। आप लिख सकते हो ये हो रहा है ओमेगा का टर्म 2 रेडियंस पर सेकेंड, ठीक। ये अपने आप में होता है 2 पाई डिवाइड बाय टी इक्वल्स टू 2, ठीक। तो यहाँ से टाइम पीरियड सीधा सीधा मिल गया अपन को पाई, और आंसर आ रहा होगा सेकेंड्स में, ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही जाएगा। ये सिंपल सा फॉर्मूला यूज करके यहां तक पहुंच गए, और फिर तो आंसर मिल ही रहा है अपन को, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं।